Assalamu alaikum, you all adorable people out there. I am Huma Tahir and you are watching my YouTube channel to be adorable. Aur aaj main layi hu the famous balm ka highlighter. Ji haan, jitne bhi cosmetic lovers hain unko high end products purchase karna bahut pasand hai, mujhe bhi. To chale dekhte hain ki iski packing ke andar kitna product hai. Ji haan, iske upar mention hai ki iske andar total 8.5 gram of packing hai aur bhi bahut kuch likha hua hai, pondies net weight 0.3 oz etc etc, lekin kyunki main iski language nahi pad sakti to mera basic purpose ye tha ki main dekhu ki ye kitne grams ka. To ye 8.5 grams ka hai. Packing bahut hi sleek hai, cute hai, nice hai. Ye maine 15 din pehle jo hai daraz se online order kiya tha, ye mujhe mil gaya tha lekin बबल पैकिंग के अंदर था, बहुत अच्छे से पैक था. लेकिन मैंने इसको जब एक्साइटमेंट में खोला, आपको पता है मतलब जिस चीज़ के आपको बहुत शौक है जब वो आती है तो फिर क्या होता है. ये देखिए मेरे हाथ से छूटा और ये टूट गया और इसके साथ मेरा दिल भी टूट गया. जी हाँ, मुझे बहुत ही ब्रोकन हार्टेड फील हो रहा था, बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था कि यार ये मुझसे क्या हो गया. और मैंने सोचा कि मैं इसका कोई रिव्यू नहीं करूँगी, इवन मैं इसको दोबारा खोल के देखना भी नहीं चाहती थी, मुझे इतना दुख हो रहा था. एंड बाय द वे ये मैंने daraz.pk से 4200 रुपीज़ का और मैंने परचेज़ किया है, मतलब मुझे मिला है ये जब डिलीवर हुआ है. और ये मुझे ऑर्डर प्लेस करने के तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मिल गया था. लेकिन वीडियो लेट इसलिए शूट किया कि मतलब ये मसला हो गया. लेकिन फिर मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढा जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी. लेकिन उससे पहले आए इसका स्वाच, ये देखें हर तरफ मैस क्रिएट हो रहा है. लेकिन फिर भी चले मैं आपको इसका स्वाच दिखाती हूँ. बहुत ही क्यूट, नाइस डल गोल्ड सा कलर है, बहुत शिमरी भी नहीं है, इसके अंदर कोई चंक्स नहीं है, शिमर पार्टिकल्स नहीं है. और आप यकीन करें जब आप इसको अप्लाई करते हैं ना, ऐसा लगता है किसी ने आपके मुंह पे ना 100 वाट का बल्ब जला दिया. जो पहले ऑरेंज वाले 100 वाट के बल्ब होते थे ना, बिल्कुल मतलब वैसा इंपैक्ट आता है. बहुत ही नाइस है, बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी वाइज द बेस्ट है. और पैकिंग तो मैंने आपको पहले बता दी है, जो है इसकी स्लीक है, बहुत ही नाइस पैकिंग है, बहुत ही क्यूट पैकिंग है. प्लीज़ जो चंक्स साइड पे हैं मैं उसको अवॉइड करें. चलें अब एक बोनस आपके लिए जी, कि इसको फिक्स कैसे करते हैं. जी हाँ, ये हैक मैं लेके आ रही हूँ कि अगर आपका कॉम्पैक्ट या हाइलाइटर टूट जाए तो उसको फिक्स कैसे करते हैं. तो मैंने अपना हाइलाइटर लिया, नीचे पेपर ज़रूर भी चाहिएगा क्योंकि प्रोसेस काफ़ी मैसी है. उसके बाद आप कोई भी प्लास्टिक का डिस्पोजेबल स्पून ले सकते हैं या कोई भी स्पैचुला ले सकते हैं. उसकी मदद से जो है आप पूरे प्रोडक्ट को अच्छी तरह पाउडर कर देंगे. सॉफ्ट पाउडर करना है, सेंटर से, एजेस से, हर जगह से जो आप इसको पाउडर कर देंगे, कहीं पे भी कोई चंक नहीं रहना चाहिए. बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ पाउडर बनाना है. इसका एक और तरीका भी है कि आप पूरे प्रोडक्ट को जो है इसके अंदर से निकाल लें, इसके पैन के अंदर से, इसको किसी भी डिस्पोजेबल शॉपर में पॉलीथिन में डालें, उसके बाद किसी भी चीज़ से हैमर कर लें, चाहे इसकी पैकिंग से ही आप हैमर कर लें क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होता है, नहीं तो स्पैचुला से कर लें. सारे प्रोडक्ट को जब ये अच्छी तरह पाउडर बन जाए तो स्पैचुला से आप प्रेस कर लें, इवन आउट करने की कोशिश करें. लेकिन ये प्रॉपरली इस तरह इवन आउट नहीं होगा. इसको इवन आउट करने के लिए आप एक और टिश्यू पेपर लेंगे. इस टिश्यू पेपर को आप इस पूरे प्रोडक्ट के ऊपर रख देंगे और उसके बाद आप स्पैचुला से भी प्रेस कर सकते हो, ब्रश की बैक साइड से भी प्रेस कर सकते हो. लेकिन मेरी प्रेफरेंस है कि आप इसको अपनी थंब से या अपनी फिंगर से प्रेस करें, अच्छा खासा इस पर प्रेशर दें कि जो इसके पार्टिकल्स हैं सारे एक साथ फिक्स हो जाएं. और ये बहुत ही फजूल बात है कि किसी एसीटोन की ज़रूरत होती है, किसी मेकअप फिक्सर की ज़रूरत होती है, किसी वेट पाइप की ज़रूरत होती है, ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इन पाउडर्स हाइलाइटर्स के अंदर खुद ही बाइंडिंग पार्टिकल्स होते हैं जो इनको इनके पैन के अंदर बाइंड करके रखते हैं. तो जी ये टिश्यू पेपर जैसे ही रिमूव करेंगे, टडान टडान, हेयर कम द स्टार ऑफ द शो. जी हाँ, ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है. इस जगह पर तो पेपर पर मैस है क्योंकि यहाँ पर मैं इसे फ़िक्स कर रही थी. तो अभी हम इसके नीचे से पेपर चेंज करते हैं. ये देखें मैं इसके पेपर चेंज करके आपको इन्वर्ट करके दिखाती हूँ. बिल्कुल कुछ भी नहीं गिरेगा, बिल्कुल ये फिक्स होगा. ये आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा जैसे टेराकोटा हो गया, लेकिन ये टेराकोटा है नहीं. ज़ाहिर है ये उतना स्मूथ नहीं होगा जितना ये ओरिजिनल था, लेकिन ये ज़ाया नहीं होगा, गिरेगा नहीं. इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कौन वेस्ट करना चाहता है, कोई भी नहीं वेस्ट करना चाहता. तो जी ये आपको एक प्लस हैक भी मिल गया कि आप अपने शिमर्स को, अपने हाइलाइटर को या अपने प्रेस पाउडर्स जो हैं उनको किस तरह दोबारा उनके पैन के अंदर फिक्स कर सकते हैं. तो व्यूअर्स, जितने मतलब भारी दिल से मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, उतने ही हल्के और लाइट मूड से जो है मैं वीडियो एंड अप कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो हाइलाइटर है वो फिक्स हो गया है. ऐसे ही किसी यूज़फुल वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी.